जगह जगह आप सभी लोगों को सोशल मीडिया पर ये सब घटनाएं देखने को मिल रही होगी। अभी हम गेहूं के खेत में हैं और फसल लगभग अपने अंतिम पड़ाव पे है। फसल चैत का महीना है, चौथा महीना चालू हो गया है और फसल कटना चालू हो गया है। कहीं बटोही जो भी चल रहे हैं, आवागमन है रोडों पे, अगल बगल खेतें रोपी गई हैं सिगरेट पीकर, बीड़ी पीकर, और कोई कोई जानबूझकर खेतों में आग लगा दे रहा है। इस बात पे हम कटाक्ष करने के लिए आप सभी के समक्ष आए हुए हैं और एक तरह से सलाह और चेतावनी भी देंगे कि जो भी सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं, एक बार अपने चारों तरफ गांवों में जाकर इस बात का नसीहत लोगों को दे दें कि आप चलते फिरते बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो कृपया गेहूं के खेतों पे वो वाला जो नीचे का हिस्सा बच जाता है थोड़ा सा, उसको लोग फेंक देते हैं, तो फेंक कर वो लोग तो आगे तरफ चले जाते हैं पर उसे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, छोटी सी कमी, छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी नुकसान दे सकती है किसानों को, ये आप सभी को समझने की आवश्यकता होगी। विशेष यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से खेतों में लगभग आग लग रहे हैं। और एक और बहरहाल बात रह गई कि जहाँ कहीं भी खेत में ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं सरकार द्वारा, तो इस बात पर विशेष आप सभी लोगों को ध्यान देनी होगी कि ट्रांसफार्मर के पास की सारा फसलें आप जल्द ही काट कर हटा दें, नहीं तो उस वजह से थोड़ी सी लालच के कारण आपको बहुत बड़ी नुकसानी झेलनी पड़ सकती है। और लगभग आप सभी लोगों को जो भी सोशल मीडिया पे हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, तो निश्चित रूप से अदर जो बातें आप लोग डाल रहे हैं समाज हित में वो तो एक बात है, सराहनीय की बात है, अच्छी पहल है आप सभी का, पर इस बात को लेकर आप सभी को सोशल मीडिया पर पहल करना चाहिए कि जो भी लोग हैं समाज के निश्चित रूप से इस बात पर फोकस करें। और जो लोग इस बात को लेकर लापरवाही कर रहे हैं और जानबूझकर लोग तिलिया फेंक देते हैं खेतों में और खेत का खेत बीघा का बीघा जलकर किसानों का नुकसान हो जाता है, इससे किसान अपने परिश्रम से खून पसीने से बुआई करते हैं और कटाई की इंतजार करते रहते हैं तब तक वहाँ पे आग लग जाती है, तो इस सभी बातों को आप सभी को ख्याल देना होगा। इसी सभी मुद्दों के साथ में आप सभी के समक्ष हम आए थे थोड़ा सा आप सभी लोगों का सलाह देने के लिए। तो इस बात को लेकर आप सभी लोग सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और किसानों के हित में अपना समर्थन दें। जय हिंद, जय बिहार।